Very good morning, modern stars. How are you all? I hope you all are fine and enjoying your studies at home. Students, take out your science books and open a chapter 9. In this chapter, we have already done our keywords. Keywords ko humne copy mein kar liya tha. So, aaj hum chapter 9 note karenge. Our first bookwork is choose the correct options. So, let us begin the exercise. How much of the earth's surface is covered with water? So 71%. मैंने आपको ये chapter explain करते time में बताया था. आप सबको याद होगा. The process of changing water vapor into water due to cooling is called condensation. है ना? जब water vapors water में change होता है cooling से, तो उस process को हम क्या बोलते हैं? Condensation. Sun's heat causes the water to change into water vapors. है ना? Water change होता है water vapor में due to heat. Which of the following is soluble in water? Calcium chloride. Calcium chloride का मतलब होता है बेटा चूना. ठीक है? Calcium chloride जो है चूना होता है और वो water में dissolve हो जाता है. Dew is formed due to condensation. Dew मतलब होता है ओस. वो कब फॉर्म होती है? कंडेंसेशन की प्रोसेस में, जब वाटर कूल डाउन होता है. चूज द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स. दिस इज योर एक्सरसाइज बी. सो प्लांट्स नीड वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड. प्लांट्स को वाटर चाहिए अपना फूड बनाने के लिए. कूलिंग ऑफ वाटर वेपर फॉर्म्ड वाटर इन अ प्रोसेस नोन एज कंडेंसेशन. वाटर कूल होने की प्रोसेस को, वाटर वेपर्स के वाटर में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं. इफ द टेम्परेचर इज टू लो द वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड फॉल एज अ स्नो. जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तो स्नो बन करके भी पानी गिरता है, वाटर ड्रॉपलेट्स गिरते हैं. सब्सटेंस दैट मेक्स द वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज इम्प्योरिटीज. वो सब्सटेंस जो बनाते हैं पीने के लिए उनको हम बोलते हैं वाटर इम्प्योरिटीज, यानी कि वो वाटर प्योर नहीं होता. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग और एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर अदर लेटर यूज. रेन वाटर वो प्रोसेस है जिसमें हम रेन के वाटर को, यानी रेन वाटर को हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो प्रोसेस है जिसमें हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं, या कह सकते हैं स्टोर करते हैं या कलेक्ट करते हैं अपने अदर पर्पस के लिए, बाद में यूज़ करने के लिए. नेक्स्ट है हमारा ट्रू फॉल्स. एक्सरसाइज सी है हमारी ट्रू फॉल्स. द वाटर फ्रॉम अ वाटर बॉडीज इज इम्प्योर नॉट प्योर. येस दिस इज ट्रू. दे हैव अ लॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज. ओके. क्लोरिनेशन इज द ओल्डेस्ट एंड द सिंपलेस्ट वे टू प्योरीफाई वाटर. दिस इज फॉल्स. बॉयलिंग जो होता है वो ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट वे होता है. अंडरग्राउंड वाटर इज अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर इन अ सिटीज एंड इज टेकन आउट फ्रॉम द पंप्स. येस दिस इज ट्रू. इन नेचर द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन हैपेंस कॉन्टिन्यूसली रिजल्टिंग द वाटर साइकिल. दिस इज ट्रू. इवेपोरेशन डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर. दिस इज ट्रू. ओके. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग वाटर साइकिल. आपको ये वाटर साइकिल कंप्लीट करनी है. मैंने आपको वाटर साइकिल पढ़ाया था कैसे होती है ना, तो इसको आपको कंप्लीट करना है. सन, द सन हीट्स द वाटर प्रेजेंट इन द वाटर बॉडीज. ओके. वाटर बॉडीज जो में जो सन वो वाटर प्रेजेंट होता है उसको हीट अप करके ले लेता है वो. द वाटर इवेपोरेट्स एंड राइजेस इनटू द एयर. वाटर जो है इवेपोरेट हो करके सेकंड प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले तो सन जो है हीट करता है वाटर बॉडीज के वाटर को, फिर वो इवेपोरेट करके उसको ले लेता है एयर के साथ में, यानी कि क्लाउड्स बना देता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स. वाटर वेपर कूल्स एंड कंडेंस टू बिकम ड्रॉपलेट्स. अब वाटर वेपर्स जो हैं वो कूल होकर के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. ओके. एंड फॉर्म्स क्लाउड, और क्लाउड्स को बनाती हैं. नेक्स्ट क्या है, व्हेन एनफ वाटर कंडेंस
the drops become heavy and falls to the ground as rain. जब वो water बहुत ज़्यादा हो जाता है और heavy होने लगता है तो वो जो है rain के form में water जो है ground पे गिरने लगता है. देख, rain water fills the seas, lakes and ponds again. अब rain water जो है fill कर देता है सारी water bodies को. और क्या करता है, सम वाटर स्लीप्स इनटू अंडरग्राउंड सॉयल, सॉयल के साथ में मिलकर के वो अंडरग्राउंड वाटर बन जाता है. नेक्स्ट प्रोसेस में होता क्या है, द रेस्ट फ्लोज थ्रू द रिवर बैक इनटू द ओशन. फिर बचा हुआ पानी जो है वो रिवर के थ्रू ओशन में चला जाता है और वाटर फिर से वाटर बॉडीज में चेंज हो जाता है और वहाँ से फिर इवेपोरेट होता है और फिर जो है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में सन के साथ में चला जाता है. सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा वाटर साइकिल कैसे कंप्लीट हुई. इसी के साथ हमारी बुक वर्क आज फिनिश हो रही है. नेक्स्ट टर्न पे हम कॉपी वर्क करना स्टार्ट करेंगे. आज के लिए वीडियो में इतना ही है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल.